Good morning, dear children. Today we are going to learn about name of the animals. See, here are some animals' name, but there are three types of animals. One is domestic animals, second wild animals, and this is aquatic animals. Domestic animals means जो हमारे घर के आसपास होते हैं, surrounding में होते हैं, उसे domestic animals बोलते हैं. वाइल्ड एनिमल्स जो जंगल में फॉरेस्ट में रहते हैं, और एक्वेटिक एनिमल्स मीन्स जो पानी में रहते हैं, मतलब सी में रहते हैं. ओके, नाउ वी विल सी द नेम्स ऑफ द एनिमल्स. फर्स्ट इज काउ, कैट, डॉग, गोट, बफेलो, डोंकी, हॉर्स, ऑक्स, कैमल, शिप, रैबिट, स्क्विरल, pig, rat, mongoose. Okay, these are some names we see these animals in our surroundings. Okay, देखो cow हम हमारे घर के आस पास या हमारे surroundings में देखते हैं. cat, बिल्ली, cow means गाय, dog means कुत्ता, goat means बकरी, buffalo means भैंस, donkey means गधा, horse means घोड़ा, ox means bear, camel means ऊंट, sheep means भेड़, rabbit means खरगोश, squirrel मतलब गिलहरी, pig मतलब सुअर, rat means चूहा, और मंगूस को हम मंगूस ही कहते हैं. ये सारे animals हम हमारे surroundings में देखते हैं. Okay children, so these are the domestic animals. Okay, now we will see wild animals. Wild animals means जो जंगल में रहते हैं, जो हमारे आसपास नहीं होते हैं. Okay, तो lion, lion क्यों सबसे पहले है? क्योंकि वो जंगल का राजा होता है. Okay, और सबसे danger होता है. Lion, tiger, fox, wolf, bear, deer, elephant, याक, जेब्रा, जिराफ, कंगारू, मंकी, पांडा, गोरिल्ला, लेपर्ड एंड हिप्पोपोटामस. ओके चिल्ड्रंस, इसमें से कई नाम आपको पता भी होंगे. ओके, हम टीवीज में देखते हैं कि ये एनिमल्स हमें जंगलों में दिखाई देते हैं, राइट? ओके, लायन मीन्स आपको सबको पता है जंगल का शेर, टाइगर मीन्स इसका मतलब भी शेर होता है, और फॉक्स मतलब लोमड़ी, वुल्फ मतलब हिंदी में बोलते हैं भेड़िया, बियर ये भालू, डियर मीन्स हिरन, एलिफेंट हाथी, याक ये जंगली गाय होती है. ओके, जो बर्फीली प्रदेशों में पाई जाती है. जेब्रा ये भी ये भी एक प्रकार का घोड़े टाइप के होता है ज़ेब्रा, जो उस पर लाइन्स होते हैं, जो हमने Z4 ज़ेब्रा बहुत बार देखा है, पढ़ा है. जिराफ, जिराफ को जिराफ बोलते हैं, कंगारू को भी कंगारू बोलते हैं, मंकी, बंदर, पांडा ये एक भालू के ही प्रकार में होता है लेकिन छोटा होता है. गोरिल्ला ये भी मंकी के ही जैसा होता है लेकिन ब्लैक कलर का होता है. लेपर्ड ये शेरों के टाइप में होता है लेकिन बहुत पतला और बहुत ही ये होता है, एक्टिव होता है, मीन्स बहुत फास्ट भागने वाला होता है. एंड हिप्पोपोटामस मतलब गीटा. ओके चिल्ड्रंस, दीज ऑल आर द नेम्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स. और भी कई हैं लेकिन हमने इतने ही पढ़े. ओके, नाउ हियर एक्वेटिक एनिमल्स. एक्वेटिक एनिमल्स का मतलब होता है जो एनिमल्स पानी में रहते हैं उन्हें एक्वेटिक एनिमल्स बोलते हैं. फिश, टर्टल, शार्क, सील, सी हॉर्स, स्टारफिश, क्रोकोडाइल, जेलीफिश, डॉल्फिन, लॉबस्टर, ब्लू व्हेल, वॉलरस, क्रैब, श्रिम्प, ऑक्टोपस. ओके चिल्ड्रंस, दीज आर द नेम्स ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स. हम फिश मतलब सबको पता है मछली, लेकिन जो समुद्र में है बहुत ही प्रकार के फिशेस होते हैं जिनके कई के नाम भी हमें पता नहीं है,
लेकिन हमने यहाँ पे कुछ ना ट्राई किया। ओके, टर्टल आपको पता है टॉर्टोइस और उसी का प्रकार होता है एक टर्टल। ओके, उसके बाद शार्क, ये बहुत ही डेंजरस ये होती है मछली होती है जो हम इंसानों को भी खा सकती है। सील, ये भी एक ऐसा ये है एनिमल है जिसके बड़े बड़े दांत, नुकीले दांत होते हैं नाउ दिस, और उसके मूछे भी होती है। सी हॉर्स, ये पानी के अंदर का घोड़ा है, मतलब पानी घोड़ा, पानी के अंदर का घोड़ा बोलते हैं उसे, एक्चुअली वो टाइप ऑफ फिश है। स्टार फिश, ये भी स्टार के तरह होती है, ये भी एक टाइप ऑफ फिश है। क्रोकोडाइल मतलब मगरमच्छ। जेली फिश, जेली फिश जो होती है ऐसे गोल होती है और नीचे उसके ये ऐसे लंबे लंबे ये बालों की तरह होता है, लेकिन वो बहुत ही जेली की तरह सॉफ्ट होती है, इस वजह से जेली फिश बोलते हैं। डॉल्फिन, इट इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ फिश, ये सबसे प्यारी और हमारी मतलब इंसानों की दोस्त होती है, बच्चों की तो दोस्त होती है। लॉबस्टर, लॉबस्टर एक प्रकार का प्राणी। ब्लू व्हेल मतलब ये सबसे बड़ा प्राणी है समुद्र में, सबसे बड़ा जो प्राणी होता है वो ब्लू व्हेल होती है, बहुत बड़ी मछली होती है जिसे हमने कभी देखा नहीं है लेकिन वो बहुत ही बड़ी होती है। वॉल्रस ऑल्सो टाइप ऑफ फिश। क्रैब, क्रैब का मतलब होता है खेकड़ा, जैसे पिछू की तरफ है ना खेकड़ा। श्रिम, श्रिम भी एक प्रकार की मछली है। और ऑक्टोपस, ये एक प्रकार का ऐसा प्राणी है जिसे बहुत सारे पैर, हाथ, पैर होते हैं, उसे ऑक्टोपस बोलते हैं। तो आपने इसमें से बहुत सारे नाम सुने होंगे। ओके चिल्ड्रंस, नाउ यू हैव टू राइट दिस एंड लर्न एटलीस्ट सम नेम ऑफ द एनिमल्स। डोमेस्टिक एनिमल्स तो सब इजी हैं, इवन वाइल्ड एनिमल्स ऑल्सो ईजी, जिसमें से 10 एनिमल्स लर्न कर लो, इसमें से भी जो आपको ईजी लगे एटलीस्ट 7, 8, 9, 10 जितने भी हो सके उतने आप इसके नेम्स भी लर्न करना है। ओके, एंड यू हैव टू राइट इन योर नोटबुक। अप टू दैट यू विल स्टॉप।